जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आपसे नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इस बाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि लगातार संघर्ष हमारा जारी है, पिछली जो भर्ती है 7810 उसके लिए भी और नई विज्ञप्ति के लिए भी, लेकिन पिछली भर्ती के अंदर अभी भी कुछ चीजें अटकी रह गई हैं। अगली इस भर्ती को कम से कम 1 से 1.5 साल होने को आ गया है और ब्रिज कोर्स हो गई, उसके बाद ब्रिज कोर्स होने के बाद ज्वाइनिंग होगी, 3 माह से ऊपर ज्वाइनिंग के हो गए हैं। अब तक कुछ चीजें हैं जो अभी भी अटकी पड़ी हैं, उन सभी चीजों को पूरा करने के लिए आज हम वापस यहाँ इकट्ठे हुए NHM स्वास्थ्य भवन का। एक तरीके से यहाँ पे 7 लोगों ने धरना दिया और धरने के बाद जो अधिकारियों से मिले उसका निष्कर्ष हम आपको बता देते हैं। सभी साथी लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि क्या यही साथी लोग हैं, जैसे वेटिंग के लिए यही जो साथी लोग हैं सारे यही लोग आएंगे, या फिर आप लोगों को भी आना चाहिए साथियों? जिन लोगों को क्या इन्हीं को वेटिंग चाहिए, या स्पोर्ट्स की सूची इन्हीं को चाहिए, या नई विज्ञप्ति भी क्या इन्हीं को चाहिए? ये जो साथी यहाँ लोग खड़े हैं इन्हीं को चाहिए। तो साथियों आप सभी को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि लगातार साथ बनाए रखेंगे तो सारे काम होंगे, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहोगे। आपको पता है कि CHO की पिछली भर्ती केवल 6 माह में कंप्लीट हो करवा दी थी और आखिरी अंश तक अब तक जब वो संघर्ष किया लगातार, उसके बाद थोड़ी सी चीजें चुटपुट चुटपुट वापस बचती रह गई, फिर बच गई, फिर बच गई। हर बार इस प्रकार से होता है, तो जो युद्ध है वो आखिरी क्षण तक कंप्लीट जीता जाता है, ऐसे नहीं कि एक बार करके छोड़ दिया फिर अधूरा छोड़ दिया। तो साथियों इस युद्ध को पूरा जीतना है हमें, इस युद्ध को जीतने के लिए पिछली जो भर्ती है 7810 CHO उसका एक तो आपको स्पोर्ट्स की सूची हर हाल में जारी करानी है। तो स्पोर्ट्स के साथ ही आज मौजूद थे यहाँ पे, इनके संघर्ष को सलाम है। जो ओम प्रकाश जी वगैरह सभी साथी लोगों की जो टीम लगी रहती है, मैं इसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये हम हमेशा हर सोमवार को आते हैं, लेकिन क्या ये 20 लोग ही हैं जो 20 साथी हैं जो इनको ज्यादा चिंता है स्पोर्ट्स की सूची की? आप सबको भी चिंता होनी चाहिए, जो साथी लोग चयन हो गया जिनका, उनको भी इस बात की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि चयन होके इनका भी आएगा और वो भी आपके साथ ही नौकरियां करेंगे। तो जितने भी साथी लोग हैं जो नियुक्ति पा चुके हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनका सपोर्ट करें, साथ दें। दूसरी चीज, वेटिंग के बाद अगली वेटिंग जो जारी होगी वो भी आपके साथ ही आएंगे, आने के बाद 7810 के अंदर ही वो लोग भी शामिल होंगे। तो आप सभी लोगों को जिन्होंने नियुक्ति पा ली है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनका भी साथ दें, साथ ही नई विज्ञप्ति जो जारी होनी है उनका भी साथ दें, क्योंकि आने वाली 3510 जो भर्तियां वो भी इसी में जुड़नी है। एक तरीके से 12,000 के करीब CHO हो जाएंगे और 1800 की एक फाइल और अपन क्लियर करवा के लाएंगे साथियों। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, साथ ही आज का निष्कर्ष बताना चाहता हूं। तो साथियों ना तो NHM में PD है, PD का अतिरिक्त प्रभार सुरेश जी सर को संभाला रखा है, ना MD सर है, MD भी कोई नहीं है अभी, MD का साहब का अतिरिक्त प्रभार डॉक्टर पृथ्वी जी को संभाला रखा है, अब हेल्थ सेक्रेटरी साहब जो है पृथ्वी जी हैं उनको संभाला रखा है NHM MD का प्रभार। अब साथियों सीधी सी बात यह कि MD साहब भी अब छुट्टी पे चले गए हैं और 24 तारीख तक वो छुट्टी पे रहेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि चिकित्सा विभाग की सबसे अहम यूनिट NHM प्लस पूरा चिकित्सा विभाग अनाथ की तरह फिलहाल 24 तारीख तक हो गया है और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। राजस्थान सरकार इन चीजों को सीरियस ले, मंत्री जी हैं तो मंत्री जी काम कर रहे हैं, उन्होंने अप्रूवल दे दिया, जैसे गाइडलाइन थी तो उस गाइडलाइन को ठप्पा लगा के भेज दिया वहां से, उसके बावजूद डॉक्टर पृथ्वी जी ने इसको अब तक जारी नहीं किया, कभी स्पीक लिख दिया, किसी ने ज्ञापन दे दिया कि भाई इस गाइडलाइन में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो उसकी भी समक्ष में कार्रवाई करके और ऐसे ही गाइडलाइन रोक दी, ऐसे वेटिंग रोक रखे, ऐसे स्पोर्ट्स सूची रोक, तो ये तुरंत प्रभाव से जारी करें, हमें गोलियां नहीं चाहिए। अब एक बड़े स्तर का आंदोलन जो हमने तैयार कर दिया है और मैं सभी साथियों से विनती करना चाहता हूं कि गाइडलाइन जिनकी जारी नहीं हुई है, साथ ही जिनका जो फंड नहीं आया, तो सभी साथी लोग एकजुट रहे, ट्रांसफर क्या मुद्दा हो चाहे सभी मुद्दों को लेकर एक बड़ा महापड़ाव डालने की तैयारी है। 24 को हेल्थ सेक्रेटरी साहब आ जाएंगे, यानी इस महीने के अंत तक या 1 अगस्त से पहले पहले, 1 से 3 अगस्त के पहले पहले एक बड़ा महापड़ाव हम लोग डालेंगे। आप लोग तैयार रहें साथियों, सभी एकजुट रहे, नहीं तो इसी तरह से आप लोगों के साथ शोषण होता रहेगा। रही बात विज्ञप्ति की, तो मैं बता देता हूँ, एक तो स्पोर्ट्स सूची की भी, स्पोर्ट्स सूची में अभी हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स सूची और वेटिंग के साथियों के लिए भी फंड, ये कह रहे हैं कि हमारे पास ब्रिज कोर्स कराने के लिए फंड की दिक्कत आएगी, जैसा कि पिछली वेटिंग में आया था। पिछली वेटिंग में भी इन्होंने एक ही बहाना बनाया था कि भाई फंड हमें भारत सरकार देती है ब्रिज कोर्स करवाने के लिए, तो जो पहले सूची जारी हुई थी उन सभी का हमने फंड एक तरीके से जारी कर दिया, लेकिन वेटिंग सूची निकालने के लिए उनको भी अलग से फिर नया फंड लेना पड़ता है, नए साथी लोगों का, जैसे अब 519 से 520 साथियों का जो ब्रिज कोर्स करवाया जा रहा है जिनकी परीक्षा है अगस्त फर्स्ट वीक में, तो साथियों उनके लिए भी जैसे फंड लाए थे तो अपन दिल्ली जाके ही करवा के लाए थे, तो ये सेकंड वेटिंग वालों के लिए भी सभी साथियों के लिए ये फंड की व्यवस्था के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। साथ ही स्पोर्ट्स की जो है भारत सरकार का जो है मंत्रालय है, जो खेल मंत्रालय, वहां से
साथियों दिल्ली जाकर इसको जल्द से जल्द समाधान करवाएंगे और जो इसमें जो नई विज्ञप्ति जारी होनी है उसके लिए भी जो है कुछ चीजें यहाँ से राजस्थान के एनएचएम डिपार्टमेंट के यहाँ पीडी ऑफिस से और हेल्थ सेक्रेटरी साहब उस पर पूरी तरह से आखिरी निर्णय लेते हैं। तो वैसे तो पत्र लिख दिया था अधीनस्थ बोर्ड को भी और दूसरे विभागों को भी, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी अधीनस्थ बोर्ड से परीक्षा कराने की है ताकि पूरी तरह से पारदर्शिता रहे और पूरे के पूरे सिस्टमेटिक ढंग से भर्ती हो, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट को दे देते हैं तो फिर थोड़ी दिक्कतें आती है, चाहे एमएनआईटी हो, शिफू हो, आरएचएस हो, सबको पत्र भेजे गए थे लेकिन अभी तक पूरी तरह से निर्णय अभी तक भी नहीं हुआ है। अभी एक तरीके से कच्चा काम चल रहा है लेकिन इस विज्ञप्ति को जारी कराने का 100% हमें विश्वास है कि इस महीने के लगभग आप देख लीजिए लास्ट तक तो नहीं लेकिन शायद अगस्त फर्स्ट वीक में कोशिश करेंगे कि इस महीने के लास्ट तक जारी करवा दे, लेकिन अगस्त फर्स्ट वीक में तो 100% प्रयास है कि भाई हर हाल में आपकी विज्ञप्ति जारी हो। साथियों अक्टूबर में इसमें परीक्षा होने की पूरी संभावना है, हम अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब से मिले और जो है उससे पहले फॉर्म भी भरवाए जाएंगे, कुछ समय महीना भर या 20 दिन बीच में दिए भी जाएंगे तैयारी के हिसाब से भी, और दिसंबर से पहले पहले परिणाम जारी करने के लिए हमने इनसे ये रखा है पूरा चार्ट की भी इस तरीके से आप करवाएंगे तभी ब्रिज कोर्स हो पाएगा। इनका जुलाई या फरवरी में स्टार्ट होगा, फिर ज्वाइनिंग का जो समय है वो आचार संहिता लगने से पहले पहले इनको ज्वाइनिंग दिलवानी है हम लोगों को किसी भी हाल में, तो इस आंदोलन को और मजबूत करना होगा तभी अगली भर्ती भी सक्सेस हो पाएगी। साथियों आप लोग घर बैठ के कुछ लोग कमेंट करते रहते तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फाइल है 3510 की इसको क्लियर करवाने के लिए हम दिल्ली तक कितनी बार जाए और इतनी मुश्किल से अगली फाइल क्लियर हुई, उसमें 1800 पद और जुड़वाएंगे, कुछ एक छोटा मोटा जो रिजर्व कोटे का जो बैकलॉग होता है वो जो जरूर बैकलॉग अगली भर्ती में जुड़वाने का प्रयास करेंगे, बाकी तो पे तो वेटिंग आएगी आपको सभी को पता ही है। तो साथियों ऐसे मिलाकर 5500 इन भर्तियों की संख्या भी करवाएंगे लेकिन आप लोग साथ दोगे तो करवाएंगे, नहीं घर से बैठे बैठे कमेंट करवाने से कुछ नहीं होने वाला। तो पूरी सीएचओ अगली विज्ञप्ति की भी मैंने जानकारी दे दी लेकिन इन साथियों को भी जो ये साथी लोग पिछली भर्ती का चाह रहे हैं इन सब की भी मांग पूरी करवाने में आप लोग जो नई भर्ती वाले वो भी मदद करो, क्योंकि आप सभी को ये बात सोचनी होगी कि ये आपके सीनियर्स हैं और आने वाले वक्त में ये भी आपके साथ ही होंगे क्योंकि चयन होकर आप भी इन्हीं से जुड़ने जा रहे हो। तो साथियों सभी साथी लोग साथ बनाए रखेंगे तो 100% काम होगा, इनकलाब के साथ जबरदस्त आंदोलन होगा और इस महीने के अंत में बड़ा घेराव है, उससे पहले चुटपुट चुटपुट सांकेतिक प्रदर्शन हमारे चलते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी और ये साथी लोग इसी तरह से हम लोग धरना देते रहेंगे। हर सोमवार मंगलवार का फिक्स कर लिया हमने कि यहाँ पे आएंगे और धरना प्रदर्शन रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। धन्यवाद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद, और सभी साथी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना ताकि नई सीएचओ विज्ञप्ति की भी जो बात है सभी साथियों तक पहुंच जाए। अभी बोर्ड और जो एनएचएम है दोनों उच्च विभाग के अधिकारी हैं तो 24 के बाद ही ज्यादा गतिविधियां होने की संभावना है। 24 को डॉक्टर पृथ्वी जी आ जाएंगे हेल्थ सेक्रेटरी साहब, उसी के बाद पूरे निर्णय क्लियर हो जाएंगे। वैसे लगभग तय हमने करवा लिया है कि अधीनस्थ बोर्ड को ही विज्ञप्ति जानी है नहीं, तो आप लोग बस इतना सा है कि साथ बनाए रखें, 100% जल्द विज्ञप्ति जारी कराएंगे और विज्ञप्ति पूर्व के नियमों के आधार पर ही आएगी, उसमें जीएनएम बीएससी नर्सिंग और आयुर्वेद वालों को ही लिया जाएगा 100% ये, और सीसीएच जिनका होगा उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो साथियों वैसे की वैसे भर्ती करवा रहे, पहली बार भारत के इतिहास में राजस्थान ऐसा राज्य है जिसके अंदर वापस इस हिसाब से भर्ती होने जा रही है, नहीं तो राजस्थान के अलावा हर स्टेट के अंदर सीसीएच केवल सीसीएच वालों को ही मौका मिलता है जबकि इस भर्ती के अंदर सभी को मौका मिलेगा। ये सभी आप सभी साथियों की दुआओं का और साथ का असर है, इसी तरह से साथ और दुआएं बनाए रखेंगे तो 100% हम जीतेंगे और इनकलाब के साथ आगे बढ़ेंगे। सत्यमेव जयते, धन्यवाद साथियों।